अलग अलग अपार्टमेंट्स के RWS के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम अन्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक, मिलन विहार सोसाइटी के नागरिक निवासी, मिलन विहार सोसाइटी के पदाधिकारीगण, मंत्रिमंडल में मेरे साथी सतेंद्र जैन जी, ऊर्जा विभाग के अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग तो इन्हें सब पटपड़गंज सोसाइटी के नाम से ही जानते हैं, भले ही विधानसभा कोई भी हो, किसी तरह से हो, लेकिन मदर डेयरी के बाद सारा क्षेत्र मैं ये मान के चलता हूँ, मैं यहाँ से विधायक हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे हर सोसाइटी में वही सम्मान मिलता है। यहाँ कोई फंक्शन करें, यहाँ किसी के RWA के प्रोग्राम्स हों, या RWA के साथ ही बहुत बार आके हमेशा उसी अधिकार से मेरे पास में आते हैं, मेरे कार्यालय में भी आते हैं और घर पे भी आते हैं। आदरणीय शर्मा जी जो मिलन विहार सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, कर्ता धरता हैं, इनसे गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ी दखल रखते हैं पूरे बिजनेस में, GST के संबंध में और गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट की टैक्सेशन के संबंध में इतनी बार चर्चाएं हुई है और इतनी समस्याओं पर चर्चा हुई है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम इनके साथ मिलके, आप सबके साथ मिलके दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। समाधान यह है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं आप, समाधान यह है कि पूरी दिल्ली में, देखिए दिल्ली का बिजली का अपना कोई सोर्स तो है नहीं, पर ईश्वर ने दिया इतना है दिल्ली को, खूब दिया है, जैसे 67 सीटें हमें दी, वो कहेंगे पॉलिटिकल बात कर ली, लेकिन डेटा तो डेटा है जी, जैसे 67 सीटें दी वैसे ही इतनी बिजली दे रखी है कुदरत ने, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे तो हमारी गलती थी। योजना ऐसी बना रखी थी, जब हमने सत्येंद्र जैन जी ने, हमने कागजों में पढ़ी कि भाई कोई अपार्टमेंट वाले साथी सोसाइटी वाले साथी ये सोलर एनर्जी को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं लगा रहे, इनसे हम पूछते थे सोसाइटी वाले साथियों से, बोले जी कैसे लगा दें, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कहां से लाएंगे मेंबर्स से पैसा, उस पर बहुत चिंतन हुआ। अब सत्येंद्र जी बता रहे हैं कि 77 लाख रुपए अगर मिलन विहार के साथियों को चंदा इकट्ठा करके 77 लाख रुपए इकट्ठा करके सोलर पैनल लगाना पड़ता, तो सर जी मैं भी इस सोसाइटी का मेंबर होता तो मैं भी हाथ जोड़ लेता शर्मा जी के, मैं कहता शर्मा जी रहने दो, सोलर एनर्जी ठीक नहीं है, BSES वाले बढ़िया है, यही कहते। लेकिन आज इसका, और ये सारे सोसाइटी के लोग इस बात से जूझ रहे थे कि ये हमारे पास छत है, हमारे पास में एनर्जी है, भगवान की दी हुई, सूरज की दी हुई ऊर्जा है, हम इसको अपने घर में कैसे लेके आए, और अगर सिर्फ घर में लाने की बात नहीं है, इसको अगर हम ज्यादा बना पाए तो अपने और लोगों तक कैसे पहुंचा पाए, इसकी बात बहुत ज्यादा उठती थी। तो आज इसका समाधान पूरी दिल्ली में, आज यहां से निकल रहा है मिलन विहार, उसकी नंबर 1 सोसाइटी इसमें बना है, इसके लिए आपको बधाई कि आज पूरी दिल्ली में इसका जवाब गया है कि सोसाइटीज में बिना 1 रुपए खर्च किए, बिना किसी मेंबर को 1 रुपया खर्च किए, बिना सोसाइटी के किसी RWA की समिति को 1 रुपया खर्च किए हुए, सिर्फ अपने रूफटॉप राइट्स देके करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का संसाधन आपके यहाँ पे आ गया, और वहां से बनी हुई बिजली से आपको फायदा होगा, आपके घर को फायदा होगा, आपके सोसाइटी को फायदा होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा समाधान। और इसका फायदा सिर्फ इतना नहीं है, देखिए सरकार में लालच हमारा रहता है, इतनी सारी बिजली की जरूरत है, हालांकि दिल्ली में बिजली हमेशा एक्सेस में है अभी, लेकिन फिर भी जितना दिल्ली अपनी बिजली बनाने लगेगी, हो सकता है कल को आसपास के जिलों में हम लोग बेचने लगे, कहो जी हम दिल्ली की प्रोड्यूस की हुई, दिल्ली वालों की प्रोड्यूस की हुई बिजली गाजियाबाद में बेचने लगे, अगर पूरी दिल्ली में हम ये सब काम कर लेंगे। तो मैं इसके लिए मिलन विहार को विशेष रूप से बधाई देता हूं। जब हम यहां पहुंचे, मौसम बड़ा अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा है, बीच में थोड़ा तूफान आया, शायद इसी किसी मौके के लिए शायर लिख के गए हैं, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है, बहुत तूफान आए, आंधियों को कह दो औकात में रहे, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। अब ये चिराग कई है, यहाँ अरविंद केजरीवाल जी भी चिराग हैं और ये सोलर एनर्जी भी चिराग है। तो आप सबको मैं बधाई देने ही आया था, मैं आपके बीच में आता रहूंगा, सबसे नजदीकी मैं ही हूं आपके। अभी शर्मा जी कुछ बता रहे थे, मैंने कहा आप यहाँ बता लो, आपको यहाँ से जितना पढ़ना चिंता मत करो, आप यहाँ से गाड़ी में बैठ के 5 मिनट की ड्राइव पे जाएंगे, मेरा दफ्तर है
और ज्यादा जाएंगे फिर भी मेरा घर भी वही है, ज्यादा दूर नहीं है। आप कभी भी दफ्तर में आओ, घर में आओ, जितनी सोसाइटी की समस्याएं, जितने सोसाइटी के इश्यूज हैं। और आजकल मैं सैटरडे संडे मुख्यमंत्री जी पूरा मॉनिटर करते हैं कि हमारे एमएलए कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चिंता मत करो, मुझे एमएलए मान के चलो, सैटरडे संडे आपको सोसाइटी में मीटिंग रखनी होगी, मैं आऊंगा आपके यहाँ। एमएलए के इशू, सरकार के इशू जितने भी हैं सबके लिए मैं आऊंगा आपके बीच में, आप इसकी चिंता मत करो। और सारी चीज लड़ रहे हैं, देखिए दिल्ली के लिए ही काम कर रहे हैं, दिल्ली के तमाम लोगों ने, सारे राजनीतिक पार्टियों को जानने वाले मानने वाले लोग होंगे पहले भी, उन्होंने निकल निकल के हर धर्म हर जाति के लोगों ने, हर वर्ग हर उम्र के लोगों ने, 54% लोगों ने चुन के भेजा, 67 सीट देके, तो इसलिए थोड़ी भेजा जो काम पहले से चलते आ रहे थे वही चला ले देना। हम भी कह देते जी इतना सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लगा लो, कैसे लगाओगे, फिर आप भी कह देते नहीं जी कैसे लगाएंगे साहब, छोड़ो सोलर एनर्जी नहीं हो सकती। लेकिन आज अगर सोलर एनर्जी जीरो कॉस्ट पे किसी सोसाइटी के रूफ टॉप पे प्रोड्यूस होने की स्थिति आई है, तो इसलिए कि नया सोचने की हिम्मत रखते हैं, नया करने की हिम्मत रखते हैं। और जो उसमें ये आंधी आए रास्ते में या कोई और तूफान आए, जो कई बैठे हुए उधर, आपको पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, ना आंधी इसको रोक पाएगी और ना कोई तूफान इसको रोक पाएगा, ये बदलाव तो होकर रहेगा साहब। आज यहां से शुरुआत हुई है, मैं क्योंकि सोसाइटी की बात आपने जो जिसके लिए मैं काम करता रहा हूं और जिसके लिए लड़ता रहा हूं, दिल्ली की पहली ऐसी सोसाइटी बनाई हमने पटपड़गंज में, जहां हमने एमएलए फंड से सोसाइटी की एक सड़क बनवाई, अंदर की सड़क बनवाई, अभी आ रहा हूं। लेकिन जैसा बीच में ना अच्छा काम करो तो बीच में कई आंधी आने लगती है, अब आंधी चुनके भी हमने ही भेजी है, हमारी क्या गलती है जी इसमें भाई, अगर हमको चुनके भेजा है तो दूसरी वाली आंधी को भी तो किसी ने चुनके ही भेजा हुआ है, वो हमारे रास्ते में आती है, तो उससे चिंता मत करो। जैसे ही हमने एक सोसाइटी में बनवाई, वहां से ऊपर से फरमान आ गया, ये सोसाइटी में क्यों बनवा रहे हैं, सोसाइटी के लोग तो कम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स कम होता है, इनको हाउस टैक्स में छूट होती है। मैंने कहा सिर्फ हाउस टैक्स से ही सरकारें चल रही हैं क्या, सोसाइटी वाला आदमी बाहर बाजार में जाकर नमक खरीदने जाता है, वहां नमक के पैसे पे उतना ही टैक्स देके आता है जितना कोई और देता है, इनकम टैक्स भी देता है सारे। सिर्फ एक सोसाइटी का हाउस टैक्स के बेस पे हम ये डिस्क्रिशन करने लगे, तो हमने प्रयोग के तौर पे थोड़ा धक्का मार के पहली सोसाइटी में करवा दिया, उसके बाद उन्होंने मना करवा दिया उसको कि नहीं करने देंगे, लेकिन लड़ रहे हैं उसके लिए और करवाएंगे, एमएलए फंड से भी करवाएंगे और नॉन एमएलए फंड से भी करवाएंगे आगे आने वाले समय में। इसके लिए कितना रोकेंगे इसकी व्यवस्था बनाने पे, मैं सोच रहा था एक सोसाइटी में करा देंगे, कन्वेंशन बन जाएगा, कन्वेंशन बनने से पहले फरमान दे दिया नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा अलाउड नहीं है, चलो जी देखेंगे कागजों में अलाउ कर लेते हैं पहले, उसके बाद करवाएंगे आपसे। यही हाल सीसीटीवी का है, बहुत सारी सोसाइटीज में मिलके गया, मुझे पता है मुख्यमंत्री जी हो सकता है बात रखेंगे अभी, क्या कर रहे हैं हम सीसीटीवी में, 3 साल हो गए आरडब्ल्यूएस से पूछ पूछ के, पूरी दिल्ली में आरडब्ल्यूएस से पूछ पूछ के पूछा भाई कहां लगना है कैसे लगना है, 1.5 लाख सीसीटीवी की मांग अलग अलग आरडब्ल्यूएस से, महिला संगठनों से, महिलाओं की मीटिंग में बैठ बैठ के निकल के आई, इस वाली गली से निकलते हैं यहाँ पे 4 लड़के खड़े होते हैं, यहाँ सीसीटीवी लगवा दो लड़के खड़े होने बंद हो जाएंगे, इस तरह की डिमांड्स महिलाओं ने करी, उन सब मीटिंग से निकल के आए 1.5 लाख सीसीटीवी की डिमांड, सरकार ने वो सीसीटीवी लगाने के लिए बजट दे दिया, कैबिनेट ने फैसला कर दिया, टेंडर कर दिया, भारत सरकार की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL को वो टेंडर मिल गया। हमने कहा भाई अब आरडब्ल्यूए वाले और कंपनी वाले बैठेंगे और पुलिस वाले बताएंगे कि कहां मुफीद है सीसीटीवी लगाना, क्योंकि उनको एक्सपर्टीज है, थोड़ी सी उनको आइडिया है, पुलिस वालों के साथ बैठ के NDMC में वो प्रयोग चल रहा था, अचानक एक और आंधी आ गई LG साहब वाली, बोले नहीं नहीं ये तो साहब अफसर तय करेंगे कहां सीसीटीवी लगेगा। अरे आरडब्ल्यूए को ज्यादा पता है, महिलाओं को ज्यादा पता है कि पुलिस वालों को ज्यादा पता है कि सीसीटीवी की कहां जरूरत है, या किसी अफसर को सचिवालय में बैठे हुए किसी अफसर को बताया कि सीसीटीवी कहां चाहिए। इस बस इतनी सी लड़ाई है कि लोग तय करेंगे, महिलाएं तय करेंगी सीसीटीवी कहां लगेगा, पुलिस वाले समझाएंगे सीसीटीवी कहां लगाना उचित होगा, आरडब्ल्यूएस डिसीजन लेंगे सीसीटीवी कहां लगेगा, वो कंपनी वहां सीसीटीवी लगा देगी, वो कह रहे नहीं अफसर तय करेगा सीसीटीवी, वहां सचिवालय में बैठ के कोई अफसर तय करेगा। तो इसकी लड़ाई है, वो चाहे आरडब्ल्यूएस में अंदर अपार्टमेंट के अंदर एमएलए फंड से काम कराने की बात हो या सीसीटीवी लगवाने की बात हो, इन सारी चीजों पर पीछे नहीं हटेंगे, आप चिंता मत करना। देखो इस तूफान और आज आपने देख ली, सामान्य कन्वेंशनल राजनीति होती तो नेताजी आके हाथ जोड़ के अभिवादन करके चले जाते, हमने कहा नहीं, लेकिन अगर प्रोग्राम करने आए हैं तो प्रोग्राम करके चलेंगे, और वो हमारी और आपकी दोनों की हिम्मत है, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, तूफान आया और निकल गया,
तो ये सब तूफान जितने सीसीटीवी रोक रहे हैं, जितने एमएलए फंड के काम रोक रहे हैं, ये भी निकल जाएंगे। आप चिंता मत करिए, ऐसे ही डटे रहेंगे और ऐसे ही काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत बढ़िया सिसोदिया जी।